everyone and welcome to all in this class first subject EVS and today I'm sharing EVS worksheet for class first students from the chapter our body and my body. So let's start first question. Use red color to circle the object that you can taste. Blue color to the circle the object that you can hear. And yellow color for the objects that you can smell. The students, यहाँ पर मैंने कुछ pictures बनाए हैं, जिसे हम जिसका taste ले सकते हैं, जिसका आवाज सुन सकते हैं और जिसका smell ले सकते हैं. तो question में यही है कि जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं, जिसका टेस्ट आप ले सकते हैं, उसको रेड कलर में सर्कल करना है, जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं, उसे ब्लू कलर में सर्कल करना है, और जिस ऑब्जेक्ट्स का आप इसमें ले सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आपको कौन से कलर में करना है, येलो कलर में करना है, ओके? So now let's start. आप देख रहे हैं, this is picture of flower. यह पिक्चर किसका है? फ्लावर का है. एंड दिस इज पिक्चर ऑफ बेल एंड दिस इज टॉफी एंड दिस इज ड्रम एंड दिस इज आइसक्रीम. तो बच्चों आपको ये ऑब्जेक्ट्स देखकर समझ में आ रहा होगा कि हमें किस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करना है. मींस फ्लावर का स्मेल हम ले सकते हैं, फ्लावर का स्मेल ले सकते हैं. तो फ्लावर स्मेल के लिए हमें कौन सा कलर करना है? इसमें के लिए ब्लू कलर करना है, सॉरी येलो कलर करना है ना. तो हमें इसे सॉरी आई हैव नो कलर चार्ट. तो इसको मैंने सर्कल किया येलो कलर से. अब जिसका आवाज हम सुन सकते हैं, बेल की आवाज हमें सुनाई देती है, जिसको हमें ब्लू कलर से करना है. ये ड्रम है, जब हम इसको ड्रम को प्ले करते हैं तो हमें इसका साउंड भी सुनाई देता है. तो इसे हमें ब्लू कलर से करना है. ये ब्लू कलर में है. एंड दिस इज कलर ऑफ येलो. एंड टॉफी एंड आइसक्रीम. तो जिस ऑब्जेक्ट्स को का हम टेस्ट ले सकते हैं उसे हमें किस कलर में करना है? रेड कलर में इंसर्कल करना है. तो बच्चों इस तरह से हमने ये वो रेड में इंसर्कल किया. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो था समझ में आ गया होगा. मेरे पास कलर नहीं थी तो मैंने वो कलर का यहाँ पे नेम लिख दिया है. इस कलर से आपको इंसर्कल करना है. Okay, and next question is question number 2. ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. मींस जो खाली जगह है वो हमें खाली स्पेस को फिल करना है. फर्स्ट है आई यूज Thank you.
हमारे बॉडी में कितने हैंड हैं? दो हाथ हैं, हमारे बॉडी में दो हाथ हैं। तो यही हमें लिखना है कि कितने हाथ हैं? टू हैंड्स, आई हैव टू हैंड्स। थर्ड इज I use my to taste. Taste हमें किससे समझ में आता है? जब हम कोई चीज खाते हैं हमें उसका टेस्ट कैसे समझ में आता है? किसके द्वारा समझ में आता है? टंग से। टंग means G. T-O-N-G-U-E. I use my tongue to taste. हम अपने जीभ का यूज किसके लिए करते हैं? स्वाद लेने के लिए। नेक्स्ट फोर Scramble the words.
match and resemble the words. कुछ words यहाँ पर mention करेंगे और वो words unscramble होंगे, means उनका कोई sequence नहीं होगा, उनका कोई क्रम नहीं होगा, उनको उन letters को आपको sequence में करना है, क्रम से लिखना है और एक meaningful words create करनी है. ओके, मीनिंगफुल वर्ड इट मीन्स कि जिसका कोई अर्थ हो. हमें ऐसा वर्ड क्रिएट करना है, ऐसा शब्द बनाना है उन्हीं लेटर से, जो लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं सिर्फ उन्हीं लेटर से हमें ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों आपको ये समझ में आना होगा कि कैसे करना है. फर्स्ट है EWBOL, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसी से. EL BOW ये मॉडिफाइड बन गया एल्बो. ठीक है, इन्हीं लेटर से हमने मैच करके सीक्वेंस में क्रम से लेटर्स लिखे, उन्हें मैच किया और एक मीनिंगफुल वर्ड क्या बना हमारा एल्बो. फिर नेक्स्ट है ASMR ARMS, आर्म्स मींस होता है भुजाएं. ओके, फिर है KNEE, नी, नी मींस होता है घुटना, नी मींस होता है घुटना. फिर है HAIR, हेयर मींस होता है बाल. फिर है FEET, फीट, फीट मींस होता है पैर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव इन अवर बॉडी. हाउ मेनी बोन्स डू वी हैव in our body, means हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं. तो आंसर इज वी हैव 206. वी हैव 206 bones in our body. We have 206 bones in our body. Next question number 2. Why should we keep our body clean? Why should we keep our body clean?
वी कीप अवर बॉडी क्लीन, हमें अपने शरीर को साफ क्यों रखना चाहिए, हमें अपने शरीर को साफ क्यों रखना चाहिए। वी शुड कीप अवर बॉडी क्लीन, वी शुड कीप अवर बॉडी क्लीन germs away and stay healthy. We should keep our body clean to keep our germs, to keep germs away and stay healthy. Okay? ये दो questions थे जिनका answer मैंने करवाया है। इसके बाद है question number 6। Match the pictures with their name. Yeah, match the body parts भी लिख सकते हैं, match the body parts, match the picture of body parts. नहीं बना पाती हूँ तो प्लीज डोंट माइंड। एक तरफ पिक्चर है और उसके दूसरे साइड उनका नाम है, हमें मैच करना है लाइन ड्रा करके पिक्चर ऑफ आईज। तो हमें नेक्स्ट रो पे देखना है, अपोजिट रो पे देखना है कि आई कहाँ पर लिखा है और पिक्चर को उसके नाम से मैच कर देना इस तरह से। फिर है हैंड, हैंड को देखना है कहाँ लिखा है और उसको पिक्चर से मैच कर देना है। फिर है ईयर, ईयर लास्ट में लिखा हुआ है और पिक्चर को उसके नाम से मैच कर दिया। नोज टॉप में दिया हुआ है एंड लिप्स सेकंड नंबर पे है। इस तरह से हमें पिक्चर को उसके नाम के साथ मैच करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट वॉच माई अपकमिंग वीडियो. ओके नाइस सर, हैव अ गुड डे.